एक मिनट मैडम, मैडम एक मिनट, मैडम एक मिनट, मैडम एक मैडम, आप मैम मैम, यहाँ यहाँ यहाँ, लास्ट लास्ट लास्ट, एक सेकंड बस, यहाँ देखिए प्लीज मैम, कुछ गिले सर, एक मिनट मैम, मैम इधर आ रहे सर, इधर 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 मैडम, सेंटर है ना, सेंटर सेंटर, हाँ सर मैम, सर मैम, यस वो तो भी है, दो मिनट तमन्ना लू क्या, तमन्ना हाँ गए, एक मिनट एक मिनट, थैंक यू, सर सर सर, राजलक्ष्मी जी, राजलक्ष्मी गारु इधर तेलुगु, देखिए बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, OTT पे आई है पिक्चर फ्राइडे को, और जब से आई है मेरे ख्याल से तमन्ना और मैंने, हमारे मोबाइल इतने व्हाट्सएप पे हम लोग मैसेज सबको थैंक यू बोल रहे हैं, बहुत ही कमाल है। और आज IMC ने यहाँ पे शो रखा, पिक्चर ऑलरेडी OTT प्लेटफॉर्म पे, उसके बावजूद भी वो चाहते थे बड़े स्क्रीन पे देखने का था, इसलिए ये शो रखा गया है कि इतनी जो आए हैं लोग यहाँ पे कि बड़े पर्दे पे देखने का वो जो मज़ा है, उन्होंने इसलिए यहाँ पे शो रखा। और वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करें पिक्चर में, और तमन्ना का जो रोल है, इतना अप्रिशिएशन हुआ है सब जगह से, पूरे ग्लोबली, मुझे लंदन से, अमेरिका से, सब जगह से फ़ोन आया कि जिसने जो काम किया है, और इसका श्रेय मैं डेफिनेटली बोलता हूँ कि तमन्ना जिस तरह से अपने रोल को निभाया है, दर्शक वाकई में गदगद हो गए। मैं जानना चाहती हूँ आपको कैसे लगी, आपको अच्छी लगी? थैंक यू। और आप लोग को लाइक यहाँ पर जो कैमरा के पीछे जो वीडियोग्राफर्स हैं उनको मैं इतने टाइम से जानती हूँ, बिकॉज दे ऑलवेज आर हैव बीन सो सपोर्टिव ऑफ मी। आई जस्ट वांट टू थैंक यू गाइज, आप लोग हमेशा यू नो एक ऑनेस्ट फीडबैक देते हो, हमेशा यू बैक अप एनी काइंड ऑफ गुड कॉन्टेंट, वो OTT के लिए हो या थिएट्रिकल रिलीज हो। ये फिल्म ऑफकोर्स इट काइंड ऑफ टचेज अपॉन और एक मैसेज देती है वुमेन एम्पावरमेंट का, बट इतने एंटरटेनिंग फॉर्मेट में है। हम नहीं चाहते थे कि हम ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग सीरियस माहौल है उसमें और कुछ सीरियस दें, हम चाहते हैं कि लोग ये फिल्म देख के एक उनके चेहरे पे एक स्माइल छूट जाए। और यहाँ पर IMC लेडीज़ विंग में इतने सारे औरतों से मिलने के बाद आई रियली रियलाइज दैट वेन यू प्ले अ कैरेक्टर दिस एम्पावर्ड, यू रियलाइज द वैल्यू of you know playing strong characters, the impact it has on so many people. And what I'm very very happy about ki yahan par jo sari auraton ke husbands aaye hain unko bhi utna hi maza aa raha hai jitna yahan ki auraton ko aa raha hai, because I feel like that's what this is, a female led film is not just meant for women, it is aapko pasand hai,
वो मेरे लिए वो सबसे बड़ी जीत है, बिकॉज आई फील लाइक ये एक नोशन रहा है कि अगर वुमेन लेड फिल्म है तो वुमेन ओरिएंटेड है, बट दैट्स नॉट आ पॉइंट. एंड मधुर सर के साथ काम करने का मौका मिला वेर आई गॉट अ चांस टू शो अ बाउंसर्स लाइफ, वो भी सबसे मस्त अंदाज में, हरियाणवी बोलने का चांस मिला. आई थिंक लोगों ने वो बहुत सराहा, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि मैं लिटरली बहुत टेंस थी जब मैंने हरियाणवी एक्सेंट अटेम्प्ट किया, बिकॉज इट कैन गो यू नो आई मीन द अटेम्प्ट इज ऑलवेज ऑनेस्ट बट वी डोंट नो हाउ द ऑडियंस फील्स अबाउट इट. तो मुझे कुछ फ़ोन आए जो मेरे भाभी के दोस्त थे जो हरियाणवी हैं, तो उन्होंने अप्रूव किया, फिर मेरे जाके मेरे जान में जाना ही, बिकॉज यू नो हरियाणवी पीपल नीड टू अप्रूव ऑफ दिस जो हमने अटेम्प्ट किया है. तो वो अप्रूवल मिला, बहुत खुशी हुई और बस अभी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं इस फिल्म को, सो आई एम वेरी हैप्पी. जानना चाहेंगे मैम इतना एंजॉय किया आपने इस कैरेक्टर को, क्योंकि काफ़ी यूनिक है और एक बाउंसर का किरदार आपने किया, बहुत ही ब्यूटीफुल है आप और एक बाउंसर का किरदार निभा रहे हैं, कितना एंजॉय किया आपने उस कैरेक्टर? आई थिंक इस फिल्म में हम यही दिखाना चाहते थे कि एक औरत को आप कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते हो, वो हर वो चीज़ करती है जो वो करना चाहती है, स्पेशली क्योंकि बबली बहुत ही सेल्फ अश्योर्ड है, बहुत ही कॉन्फिडेंट है, बहुत ही वो इंडिपेंडेंट बनना चाहती है, बट वो बहुत ही अपने आप में खुश है. सो वी लाइक दैट क्वालिटी, आई थिंक वी वांट दैट मैसेज टू स्प्रेड दैट व्हेन यू हैव दैट देन यू आर नॉट स्केयर्ड टू बी हूएवर यू आर. यू नो वो बर्फ भी करती है, वो दबा के 12 रोटियां भी खाती है, शी इज़ नॉट अशेम्ड ऑफ एनीथिंग शी डज. शी हाँ, और जब हाँ ज़रूरत आए तो थोड़ा पछेड़ती भी है. जब से ये फिल्म आई है बहुत सारी बातें हो रही हैं कि बबली बाउंसर लड़कियाँ बहुत तोड़ती है, दिल्ली की लड़कियाँ या लड़कियों से उससे बच के रहना चाहिए वरना हाथ पाँव तोड़ देंगे वो. नहीं आई से पीछा करके ये फिल्म में तो ऑफकोर्स देर वॉज अ लवली एक्शन सीक्वेंस, बट आई थिंक हमने जो भी दिखाया एक रियल सेंस में दिखाया कि अगर किसी औरत को किसी भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़े तो वो कैसे रिएक्ट करेगी. इट्स मोर ऑफ अ रिएक्शन देन वो बिना किसी वजह से उठ के लड़ना शुरू नहीं कर देती या बिना किसी वजह से वो किसी को मार नहीं रही है, बट अगर एक ऐसी वो अपनी सेफ्टी के लिए तो सेल्फ डिफेंस तो करेगी ना. सो आई थिंक दैट्स व्हाट वी ट्राई टू शो. इट वॉज मोर प्रो सेल्फ डिफेंस. And of course, it's just inspiring women to be who they are. There's no definition. So, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कैप्टन ऑफ़ जहाँ पर ये फिल्म खत्म हुई है उसका आगे का भी पार्ट बन सकता है. अभी प्रॉपर इंग्लिश सीखना है आज इस बबली को और उसके बाद आगे. देखिए ये बात वाकई में ट्विटर पे सोशल मीडिया पे बहुत ये हो गया है, लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि जो कि लड़की जो है वो किसी एक लड़के के पास गई नहीं, उसका क्या राज है. तो बहुत लोग को ऐसी अपेक्षा है कि हम इसका पार्ट टू बनाए बोल के. अभी मैं कहना नहीं चाहूँगा, डेफिनेटली ऐसा मटेरियल बहुत है, जो हमने रिसर्च किया था मटेरियल बहुत है हमारे पास, लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकता कि पार्ट टू नहीं बनेगा बोल के. डेफिनेटली उसके पॉसिबिलिटी बहुत है इसके पार्ट टू बनाने के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से हम लोग को आप इस वक्त हमको ये सक्सेस और जो अप्रिशिएशन मिला उसको एन्जॉय करने दीजिए, और एक दो महीने के बाद जब नॉर्मल हो जाएगा सब सेटल हो जाएंगे उसके बाद हम डिसाइड कि इसको लिखना पड़ेगा, आइडिया को फिर से एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से इसकी अपेक्षा लोगों में रहेगी पार्ट टू के लिए, जिस तरह से आज समा बन चुका है बबली बाउंसर का, तो डेफिनेटली वो हमें उसे खड़ा उतरना पड़ेगा कि उस लेवल पे कि कैसी होगी पार्ट टू बोल के, तो एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है. तो डेफिनेटली और इतना स्नेह प्यार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच.